हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोड। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज अ वेव। तो देखो, वेव फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिस्टरबेंस होती है, ठीक है, और ये ट्रैवल करती है, ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम। तो मतलब देखो, ये आपकी ये डिस्टरबेंस ट्रैवल करती है थ्रू मीडियम। मीडियम में भी कैसे ट्रैवल करती है? बाय पीरियोडिक मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। तो अब वो जो आपका मीडियम इधर हमने किया है, इसमें हमारे पार्टिकल्स, राइट? ओके, इसमें है आपके पार्टिकल्स। अब जब वेव ट्रैप मूव करती है, मूव्स फ्रॉम वन पार्टिकल टू अदर, तो ये मूव करती है, मूव फ्रॉम वन पार्टिकल टू अदर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो ये जो वेव है, जब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जाएगी तो सिर्फ एनर्जी ट्रेवल करेगी, पार्टिकल ट्रेवल नहीं करेंगे। तो From these four points, we can say that wave is a means of transferring energy without actual transport of matter. Or friend, this case mein aapka matter kya hai? In this case, your matter is the particle of medium. तो फिर हम quickly कुछ examples देख लेते हैं waves के। पहला example है आपका water waves। तो अगर आपको मेरा wave energy का tutorial याद हो, तो देखो ये एक water wave है आपकी। तो ये क्या carry कर रही है? Energy carry कर रही है। और कौन सी energy carry कर रही है? Kinetic energy. ये वाटर कैरी नहीं कर रही, इट इज कैरिंग एनर्जी। वाटर जो है वो तो बस इसके साथ साथ मूव कर रहा है। तो वाटर वेव्स इज एन एग्जांपल ऑफ वेव। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, लाइक साउंड वेव, लाइट वेव, इंफ्रारेड एंड रेडियो, इंफ्रारेड रेडियो एंड टीवी। इंफ्रारेड होती हैं वेव्स, देयर आर रेडियो वेव्स, रेडियो एंड टीवी वेव्स। बाकी और भी होते हैं, जैसे स्प्रिंग होती है, और ये वेव्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब अगर आप एक स्ट्रिंग का एक एंड कहीं किसी वॉल पे पिन कर दो, दूसरे एंड आप अपने हैंड से ऐसे ऐसे करते रहो, तो बिल्कुल ऐसे ऐसे बनता है आपका, ऐसा ऐसा कुछ पैटर्न बनता है ऐसा। तो वो भी एक एग्जांपल होता है वेव का। तो इतना आ गया होगा आपको। सो नाउ लेट अस क्विकली सी द क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। क्लासिफिकेशन, तो देखो वेव्स को हम क्लासिफाई करते हैं टू बेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियम रिक्वायरमेंट, कि उन्हें प्रोपोगेशन के लिए मीडियम चाहिए होता है या नहीं। तो अगर मीडियम चाहिए होता है तो हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स या इलास्टिक वेव्स। मीडियम नहीं चाहिए होता तो हम कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका एग्जाम्पल है लाइट वेव्स। हमें कैसे पता? क्योंकि देखो, अब जो लाइट है वो सन से अर्थ तक 1 astronomical unit तक का डिस्टेंस कवर करती है। बीच में क्या है? वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है।
तो लाइट वेव्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मतलब नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। मैकेनिकल एंड इलास्टिक वेव्स का एग्जांपल है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, तो इन्हें हमेशा प्रोपोगेशन के लिए एक मीडियम चाहिए होते हैं। तो ये होती है मैकेनिकल या इलास्टिक वेव्स। अगर मैं आपसे वैक्यूम में कुछ बोलूँ ना, जैसे मैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आलिया बोर्ड, तो आपको सुनाई देगा, आपको ऐसे लगेगा। ठीक है, तो हमने पहली क्लासिफिकेशन देखी, दिस वाज आवर फर्स्ट क्लासिफिकेशन। द सेकंड क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। तो इससे हम दो कैटेगरीज में अब क्लासिफाई करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट करते हैं इन डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मतलब अगर वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है तो पार्टिकल्स कैसे ट्रैवल करेंगे, ऐसे। पार्टिकल्स का वाइब्रेशन कैसे होगा, ऐसे, बिल्कुल बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। ऑन द अदर हैंड ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो पार्टिकल्स है दे वाइब्रेट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो अभी तो यही क्लासिफिकेशन ऑफ वेव है जो मैंने जितने भी आपको ये डिफरेंट क्लासिफिकेशंस बताए हैं इन पे हम आगे डिटेल ट्यूटोरियल्स देखेंगे। तो अभी मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देती हूँ वेव क्या होती है। वेव्स आर डिस्टर्बेंस, इट ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम ड्यू टू पीरियोडिक मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, इट मूव्स फ्रॉम वन पार्टिकल टू अदर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सो वी कैन से इट इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर विच इन दिस केस इज द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। इसके एग्जाम्पल है वाटर वेव, साउंड वेव, लाइट वेव, इंफ्रारेड वेव्स, रेडियो एंड टीवी वेव्स, और बाकी आप लिख सकते हैं वेव्स ऑन स्ट्रिंग्स, वेव्स ऑन स्लिंकी एक्सेट्रा। फिर क्लासिफिकेशन करते हैं दो बेसिस पे, मीडियम रिक्वायरमेंट फॉर प्रोपोगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर चाहिए होता है तो मैकेनिकल या इलास्टिक होता है, नहीं चाहिए होता तो नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, अगर पैरेलल होता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, अगर परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव तो होती है ट्रांसवर्स वेव। सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।